Hey guys and welcome to Filler Form. My name is Jitendra Goswami और आपका स्वागत है Filler Form पे। तो मुझे लगातार एक कमेंट आ रहा था कि सर अगर इस बार मेरा जारेफ हो जाता है तो मैं कैसे उसका बेनिफिट ले सकता हूँ और मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, या अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ या मैंने बाद में अप्लाई किया। तो इसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होते हैं, तो सारे का आंसर मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखना भाई, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। और जिन्होंने तो फिलर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिलर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर पेपर वन के साथ पेपर सेकंड की तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं गाइज यहाँ पर JRF। ये नाम आप लोगों ने काफ़ी कम सुना होगा क्योंकि हम लोग एक ही नाम सुनते हैं, वो है नेट। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट नेट के साथ गाइज एक एग्जाम इसके अंदर एड है, JRF। ये दोनों एक ही एग्जाम होता है, ठीक है, दोनों एक ही एग्जाम में, आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, बट इनका अलग अलग लेवल है। नेट की जो गाइस कट ऑफ है वो अलग आती है और JRF की कट ऑफ अलग अलग आती है। नेट एग्जाम की थोड़ी लो कट ऑफ आएगी और इसकी थोड़ी हाई आएगी। जैसे एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस में अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो आपको 51 में वो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। वहीं JRF क्वालिफाई करना है तो मे बी 57% के आसपास आपका JRF क्वालिफाई होता है। तो ये इतना एवरेज इसका चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कितना अमाउंट मिलता है। सो गाइस JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये अमाउंट होता है भाई 35,000 पर मंथ अप्रोक्स, ठीक है। ये अमाउंट आपको मिलता है 35,000 पर मंथ का, ये अमाउंट आप लोगों के लिए। अब इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं उस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसे ही आपका JRF क्वालिफाई होता है आपको सबसे पहले गाइस क्या मिलता है, JRF का अवार्ड एक होता है, ठीक है, लेटर, वो आपको मिल जाता है ऑनलाइन। अब अगर आपको अमाउंट लेना है तो भाई आपको PhD में अप्लाई करना पड़ेगा। यस, आपको पहली जो कंडीशन ये है कि आपको PhD में अप्लाई करना होगा। अब वो कोई भी कॉलेज हो सकता है, गवर्नमेंट, स्टेट, सेंटर, कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। जब भी जाके आपके महीने का 35,000 रुपये अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, अगर आपका JRF हो गया है और आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया किसी भी कॉलेज में तो आपको ये अमाउंट नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो आपको अप्लाई करना होगा, किसी भी कॉलेज में आप लोग अप्लाई कर सकते हो PhD के लिए, जब आपको अमाउंट मिलेगा। अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ये अमाउंट आपको नहीं मिलता है, ओनली प्राइवेट वालों को ये अमाउंट मिलेगा, ठीक है। हर एक कॉलेज के ऊपर अलग अलग रूल अप्लाई किए जाते हैं। अब एक JRF के पास गाइस, जैसे एक होता है JRF, एक होता है SRF। JRF मिलता है 3 साल तक, SRF मिलता है 2 साल तक। JRF का अमाउंट होता है 35,000 रुपए और इसका अब हो गया है 42,000 और ये पर मंथ है भाई, ये पर मंथ में आपको अमाउंट बता रहा हूं, ठीक है। बट ये कंडीशन है जब आपको अप्लाई करना होगा। अब देखो एक चीज है ना जो डार्क साइड भी, मैं इसकी आपको समझाता हूँ। अभी मैंने देखा काफी जगह से मेरे पास कॉलेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर हम लोग इस कॉलेज से बात कर रहे हैं, हम लोग बच्चों का जो PhD है वो करवा देंगे, उसको एक भी दिन आने की जरूरत नहीं है, और अगर JRF क्वालिफाई है तो हम उसका 10% हम लोग चार्ज करेंगे। मतलब 35,000 का 10% वो लोग लेंगे हर महीने और आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। तो बिना पढ़े लिखे आपका PhD हो जाता है। बट मेरी एक राय मानना, मेरी एक एडवाइस है सभी लोगों के लिए कि कभी भी गलत रास्ता मत चुनना, एक टाइम पे वो जाके बंद हो जाता है। तो धीरे धीरे चलो, टाइम लगेगा बट सफलता मिलेगी। सो गाइस ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई नेट के बारे में मत सोचो, JRF का सपना लो, क्योंकि नेट तो हो जाएगा आपका, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। JRF करना है तो आप ये देखो यार, आप लोग 3 साल में 9 लाख रुपए कमा लोगे आराम से, ठीक है। तो इस पे ध्यान दो आप लोग। और भी कोई जानकारी अगर चाहिए हो आप लोगों को तो WhatsApp नंबर पे और दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड नहीं किया, फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आप लोग नेट और सेट की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।